तो फाइनली सबसे पहले अपने फोटो को शेयर कर लेते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो जैसे कि देख सकते हैं आ चुके हैं हम अपने लाइटरूम में स्कैन के ऊपर। हम लोग आपको क्या करना है, हमको तो यहाँ से अपने ओरिजिनल फोटो, ये रहा हम लोग का ओरिजिनल फोटो पे क्लिक करना है। देख सकते हैं ओरिजिनल फोटो पे क्लिक करके यहाँ से हमको यहाँ से एक लाइट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एंड लाइट पे क्लिक कर लेते हैं। एंड इधर क्लियरिटी और हाई लाइट्स को दिखाई दे रहा होगा, एंड पहले तो हम लोग क्लियरिटी बढ़ाएंगे कुछ, हल्का बढ़ा कर क्लियरिटी एंड हाई लाइट्स को पूरा घटा कर एंड सैचुरेशन को बढ़ा कर वाइट एंड ब्लैक को कम कर लेंगे फोटो के हिसाब से। तो इतना सब हो जाने के बाद हमको करना कहते हैं कलर वाला ऑप्शन दिखाई दे, कलर पे क्लिक कर लेते हैं। कलर पे क्लिक कर लेने के बाद एंड हमको ये मिक्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एंड मिक्स पे क्लिक कर लेते हैं। एंड मिक्स पे क्लिक करके हमको ये फर्स्ट वाला कलर दिखाई दे रहा है, एंड इसको इस पर सेलेक्ट करके इसकी सैचुरेशन को कुछ कम करना है, कुछ कम कर लेते हैं। एंड इसकी लुमिनस को कुछ बढ़ा लेंगे एंड देख सकते हैं कितना अच्छा हम लोग का फोटो लग रहा है। तो इतना सब हो जाने के बाद हमको करना क्या है, तो फिर से हमको यहाँ से एक इस यहाँ से डन कर देना, ये डन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर डन पे क्लिक कर लेते हैं। डन पे क्लिक करके यहाँ से हमको डिटेल्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एंड डिटेल्स पे क्लिक करके हमको इसकी इसको बढ़ा लेना है कुछ, एंड इसको भी बढ़ा लेना है। इतना सब हो जाने के बाद फिर से हमको यहाँ से इफेक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, डन इफेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं। एंड व्यू एडिट को कुछ हम लोग को अपने मोबाइल इसको कम कर लेना है। एंड इतना सब हो जाने के बाद हमको फिर से करना क्या है, यहाँ से शेयर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एंड इस शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। एंड यहाँ से ये शेयर दिखा रहे हैं, सेव कर लेते हैं फोटो को। तब इसको हमको करना क्या है, यहाँ से सेव कर लेने के बाद हमको इसको डायरेक्ट फोटोटेक स्केच बुक एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर देना है। इसलिए यहाँ से हमको करना क्या, जूम करके दिखा दे रहे हैं इस फोटो को। इधर से हमको करना क्या, फिर से यहाँ से लाइब्रेरिंग वाला ऑप्शन दिखाया, डन लाइब्रेरिंग में क्लिक कर लेते हैं। एंड इसकी सेटिंग देख सकते हैं, हमको ये वाला ब्रश यूज करना है इसमें, हमको ये वाला ब्रश ले लेना है। साइज देख सकते हैं फोलो को 5 स्ट्रेंच को 29+ रखकर साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं। इधर अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर जूम करके कुछ अपने हल्को हाथों से अप्लाई कर लीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह, तो कुछ आप लोग भी अप्लाई कर लीजिए। तो वीडियो ढेर लंबा हो जाए इसलिए हम वीडियो को कट कर फिर से जहाँ फेस स्मूथ पूरा हो चुका है वहाँ से हम लोग वीडियो को चालू करते हैं। सो फाइनली गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं लाइक हो चुका है हमारा फेस स्मूथ ऑटोटेक स्केच बुक में। अब अपने ओट पे लिपस्टिक लगाएंगे तो कहाँ से क्या करना है, तो यहाँ से लेयर वाला ऑप्शन दिखाई देगा, एंड लेयर पर क्लिक करके प्लस, लेयर पर क्लिक करके प्लस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एंड प्लस पर क्लिक कर लेना है। फिर से हमको लाइब्रेरिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यानी लाइब्रेरिंग पे क्लिक करना है हमको, इसमें आना है, यहाँ से ये वाला ब्रश ले लेना है हमको, या ब्रश स्लिप करके इसको देख सकते कुछ इधर अपने ओठ के ऊपर, इधर ओठ दिखाई दे रहा है, एंड ओठ के ऊपर अप्लाई करना है कुछ अपने साइज को हिसाब से, यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। वो क्या है, मैं अपने फेस स्मूथिंग का ज़्यादा वीडियो बनाया हूँ, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं जो इसको फेस स्मूथ करना नहीं आता है। हाँ तो चलिए अब बिना देरी के कर लेते हैं, इसीलिए मैं काफ वीडियो को काट ले जाऊँ यहाँ से, अब आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। सिंपली वो लिपस्टिक लगा लेने के बाद हमको करना क्या है, फिर से हमको लाइब्रेरिंग वाला ऑप्शन दिखा रहा है, लेयर पे क्लिक करके हमको यहाँ से वाइट वाला पे क्लिक कर लेते हैं, इसका शार्पनेस कुछ कम कर लेते हैं, यहाँ से बैक कर देते हैं। अब इस फोटो को हम लोग को डायरेक्ट शेयर करना है कहाँ पे, तो यहाँ से 3 डॉट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डन, यहाँ से 3 डॉट ऑप्शन पे क्लिक करके इस पे क्लिक गैलरी पे क्लिक कर शेयर कर लेते हैं फोटो को। तो फाइनली हम लोग का फोटो सेव हो चुका है। अब यहाँ से करना क्या है, तो हमको 3 डॉट ऑप्शन दिखा रहे हैं, तो हम 3 डॉट पे क्लिक करके इसे शेयर पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से फोटो को डायरेक्ट हम लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं।
फोटो अपलोड किया, इस फोटो को इसको फाइनली करना क्या है हमको।